सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज KGF। अगर आप देखते हो ट्रेलर, आपने देखा होगा अगर, तो आपको एक चीज़ ज़रूर याद आती होगी कि जिस तरह से इस फिल्म का सेटअप दिखाया गया है 70 के दौर का, आपको अमिताभ बच्चन की याद आ जाती होगी, आपको ऋषि कपूर की याद आ जाती होगी, आपको याद आ जाती होगी शशि कपूर की, विनोद खन्ना की, क्योंकि उस समय जो एंग्री यंग मैन वाला जो फील था वो बॉलीवुड में चलता था और अमिताभ बच्चन कहीं ना कहीं बहुत छाए रहते थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है, यानी कि ये आर्टिकल सामने आया है और उस आर्टिकल के हिसाब से ये दिया गया है कि KGF कहीं ना कहीं 70 के दशक को ट्रिब्यूट देती है। और साथ ही सलीम जावेद, आपको पता ही है सलीम सर के बेटे हैं सलमान खान और जावेद सर के बेटे हैं फरहान अख्तर, इन दोनों बहुत बड़े लेखक हैं, इन्होंने शोले लिखी है, इन्होंने दीवार लिखी है, जंजीर लिखी है, आई थिंक कई सारी फिल्में लिखी हैं दोनों ने बॉलीवुड में, और ये दीवार भी लिखी है जिसमें मैंने कहा डॉन भी लिखी है। तो इन सब बेहतर बेहतर फिल्में लिखने वाले जावेद अख्तर को कहीं ना कहीं ये फिल्म ट्रिब्यूट देती है। जी हाँ, चलिए आपको लिए चलता हूँ आर्टिकल पर, बताता हूँ क्या है, बहुत अच्छा आर्टिकल पैन न्यूज़ पर, जहाँ पर साफ लिखा है KGF इज़ एन ओडे टू सलीम जावेद अख्तर सिनेमा, यानी कि सलीम जावेद अख्तर, आई मीन इन लोग के टाइम पे जो डॉन होती थी, जो शोले होती थी, उसमें उस समय जिस तरह से एक फिल्मी एक एंग्री यंग मैन वाला जो फील आता था वो कहीं ना कहीं इस फिल्म में नज़र आ रहा है KGF में, और ये फिल्म उसी का ट्रिब्यूट देती है, यानी कि 70 के दशक में जिस तरह से सलीम सर और जावेद सर फिल्में लिखते थे, उसकी स्टोरी जिस तरह से होती थी, उस तरह का स्टोरी आपको KGF में देखने को मिलेगा। यानी कि 70 का सिनेमा अगर आपको पसंद है तो आपको वापस 70's का सिनेमा देखने को मिलेगा, क्योंकि फिल्म का सेटअप 70's का है और इसलिए फिल्म बहुत ज़्यादा पीरियडिक नज़र आती है, एक डिफरेंट तरह का नज़र आती है। और बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है कि कितनी बेहतर फिल्म है, उसके ट्रेलर को भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। देखिए, द पीरियड ड्रामा ट्रेसेज अ टेन्योर ऑफ लेट 70s एंड विल बी मेड इन टू पार्ट्स, दो पार्ट में फिल्म आने वाली, ये फर्स्ट पार्ट ही आया है जो December 21 को रिलीज होगा, और ये कहीं ना कहीं प्रमोशंस के तौर पे बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा है इस फिल्म का, और प्रमोशन के हिसाब से ही जो आर्टिकल है ये भी आया है पब्लिश हो गया, यानी प्रमोशन जोर शोर से KGF का शुरू हो चुका है। और ये बिल्कुल सही बात कही है जिसने भी कही है कि KGF कहीं ना कहीं सलीम जावेद की जो सिनेमा होता था 70 के दशक का, एकदम बढ़िया एंटरटेनमेंट, यानी पब्लिक का मजा आ था, पैसा वसूल सिनेमा, उस तरह का KGF है, ये बताने की कोशिश की है। तो आप ये खबर से कितने खुश हैं, और इसे एक बोलते ना एक रिस्पेक्ट, एक ट्रिब्यूट दिया गया है KGF द्वारा, ट्रिब्यूट दिया गया है सलीम खान को और जावेद अख्तर को, और उनकी फिल्म में जिस तरह से लिखते थे वो उस समय, उसको उसके लिए KGF को। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाय।